सर्दियों के आते ही हमें तरह तरह के पराठे बनाने और खाने का मौका मिलता है, तो आज मैंने सोचा बतुआ के पराठे बना लेती हूँ और रेसिपी आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 250 ग्राम बतुआ और इसे साफ करके अच्छे तरीके से पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो चलिए हम इसे बॉईल होने रख देते हैं। हाँ, मैंने एक सॉस पैन में पानी उबाल लिया है और इसी में हम अपने बतुए को डालकर बॉईल कर लेते हैं। तब तक हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो चलिए बतुआ हमारा बॉईल हो गया है, अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और मिक्सी में के जार में डालकर इसे हाँ, मैंने ले लिया है 2 कप आटा और इसी में डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और बीच में इस तरीके से एक होल बना लेते हैं और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप यदि क्रश करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डालकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने बतुआ पीस कर रखा था, उसे भी इसी के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके यहाँ बतुए के पराठे आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं। बस हम इसे पहले इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेंगे। तो हमने बतुए को आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारे जार में थोड़ा सा बतुआ का पेस्ट रह गया था तो मैंने उसी में पानी डाल दिया है और इसे भी मैं इसी के साथ ऐड कर देती हूँ, जिससे कि हमारा जो पेस्ट है वो कहीं भी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। बस इसी तरह से इसका एक पराठे के लिए जो हम डो लगाते हैं उस तरीके का आटा लगाकर तैयार कर लिया। हमने इस तरीके का आटा लगाकर तैयार कर लिया है और चलिए अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है मिक्सी का जार और उसी में मैंने एक अमरूद को धोकर अच्छे तरीके से काट लिया था और इसी के साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इस पे हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम अपने पराठे बना लें। तो आटे ने भी हमारे रेस्ट कर लिया है, चलिए इसके पराठे तैयार कर लेते हैं। मैंने गैस पर पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया। हमने आटे में से इस तरीके की एक लोई ले ली है, आप छोटी या बड़ी जिस तरीके का पराठा बनाना चाहते हो उस तरीके की लोई ले सकते हैं। मैंने इस साइज की लोई ली है और अब हम इसे सूखे आटे में डस्ट करके बस इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। तो आपके यहाँ किस तरीके के पराठे बनते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने इस तरीके से गोल पराठा बनाकर तैयार कर लिया है और चलिए हमारा पैन भी गर्म हो गया है। अब हम पैन भी गर्म हो गया है, हम इस पर इस तरीके से पराठा डाल देते हैं और इसे से एक तरफ सिकने पर पलट कर इसी तरह सेक लेते हैं। पराठा एक तरफ से सिक गया है, अब हमने इसे पलट दिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे सेक लेते हैं। तो आप बटर, घी, ऑयल अपनी पसंद से जो भी लगाना चाहें वो लगाकर पराठा सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा।
तो देखते हैं हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सिका है। बस इस तरफ भी हम इसी तरीके से ऑयल लगाकर इसे सेक लेते हैं और फिर हम इसे एंजॉय करेंगे। तो ये लीजिए हमारा पराठा जो है वो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के पराठे भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे बथुआ के पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।